Hi everyone, OS Break here. Welcome to VFX 101. आज मैं आपसे शेयर करूंगा After Effects 2022 के न्यू फीचर्स. तो बस स्टार्ट करते हैं. तो After Effects ओपन किया और एक न्यू कंपोजिशन हमने क्रिएट कर ली AE 2022. ओके और एक काम ये करते हैं कि हम टेक्स्ट टूल लेके एक टेक्स्ट टाइप कर देते हैं सिंपल सा AE 2022. ओके चले जी, ये जो पैराग्राफ है पैरो ये जो ओपन हुआ इसको जरा सेट कर लेते हैं इसके साथ और हमारा जो फॉन्ट है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं. चले कूल हो गया. तो फर्स्ट जो फीचर है वो है हमारे पास मोशन स्केच का. तो आपने करना क्या है, लेयर सेलेक्ट करनी है, देन विंडो मेन्यू और यहां पे आपके पास है मोशन स्केच, क्लिक किया देन ड्रॉ किया आपके पास मोशन. लेकिन उससे पहले स्टार्ट कैप्चर पे आपने क्लिक किया देन आपने ड्रॉ किया स्टार्ट कैप्चर. चलिए ये आपने एक रफली से हमने एक जनरेट कर लिया. आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो आपका टेक्स्ट है वो आपके जो पाथ है आपने क्रिएट किया था उसके साथ अलाइन हो गया, यानी कि जो स्केच आपने किया था उसके साथ आपका जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो गया. इसके जगह कोई भी फुटेज हो सकती है, कोई भी इमेज हो सकता है, वो आप इसके साथ अलाइन कर सकते हो. इन की फ्रेम्स को आप स्मूथ भी कर सकते हो जहां पे स्मूथिंग का ऑप्शन है, तो ये ऑटो भी कर लेता है और नॉर्मली आप वैसे भी वैल्यू दे सकते हो. तो एक बहुत अच्छा फीचर है. चले जी न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं. और हमारे पास एक फाइल है, वीडियो फाइल है, इमरान फाइल. ये मैंने लास्ट एक ट्यूटोरियल बनाया था फायर फ्लेम का. लेकिन आप यहाँ नोट करोगे जब कंपोजिशन में आप ड्रैग करते हो लेयर पैनल में तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, प्रीव्यू जनरेट करना शुरू कर देगा. जिससे होगा क्या कि थोड़ी ही देर बाद आप अपना जो वीडियो है वो बड़ी जो है लाइव या उसको रियल टाइम आप इसको देख सकते हो, प्ले कर सकते हो. तो ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है. नेक्स्ट यहाँ रेंडर टाइम दे दिया है ऑप्शन आपके पास कॉलम्स में, अगर आप इसको हाइड कर लेते हैं फिलहाल. जब आपको अपेयर करना राइट क्लिक कॉलम्स और यहाँ आपके पास है रेंडर टाइम. ये आपको बता देता है कि 15 इतने सेकंड्स में या इतने आपके पास जो है मिनट्स में इसमें आपकी फाइल रेंडर होगी. तो इस वीडियो को अगर आप रेंडर करना चाहते हैं तो हम फिलहाल इसको रेंडर कर देते हैं. कंट्रोल एम हम प्रेस करते हैं, यहाँ आप देखोगे कि रेंडर मेन्यू तकरीबन रेंडर पैनल चेंज हो चुका है. ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली इनकोडर में भी जा सकते हो, एडोबी इनकोडर में. तो फिलहाल हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट क्विक टाइम और इसको क्या हिट ओके. और यहाँ हम जब ऑप्शन में जाके फाइल टाइप कर देते हैं रेंडर. ओके जैसे आप रेंडर पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ नोट करोगे कि बैक ब्लू जो रेंडर हो रहा है और ग्रीन जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, मल्टी फ्रेम्स को कैच कर रहा है, उसको रेंडर कर रहा है. और आप देखोगे कितनी स्पीडली ये आपकी वीडियो फाइल को रेंडर कर रहा है. अब जाके शो हुआ है रिमेनिंग टाइम 4 to 2 seconds. तो ये एक बड़ा ही जो है कमाल का फीचर इन्होंने दिया है मल्टी रेंडरिंग का, आपके पास मोशन स्केच का और आपके पास जो ऑटो रैम प्रीव्यू जो जनरेट करता है. तो ये फीचर्स एडोबी 2022 में सॉरी एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स 2022 में ऐड किए गए हैं. तो आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे. लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करें VFX 101 को और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा. थैंक यू.